वेलकम टू माई चैनल। आज यहाँ पर मैं जो है खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होती है। इसको हम पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा के साथ खा सकते हैं, और कई रेसिपीज में भी उसको डाला जाता है, यूज़ होता है इसका। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने दो बाउल लिए हुए हैं। इसमें मैंने एक बाउल में मैंने इमली को जो है 1 घंटा भिगो कर रखा था, उसके बाद उसका घोल कर पानी छान लिया था। और इसी तरह से गुड़ को भी मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था और उसका भी मैंने यहाँ पर बाउल में पानी के साथ रखा हुआ है। तो साथ ही मुझे इसके नमक, मिर्च, गरम मसाला और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और साथ ही मुझे दालचीनी, और यहाँ पर मैं सौंफ का यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में ये जो है गुड़ वाला जो पानी है, बाउल है, ये डालूंगी, और उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी चीनी भी ऐड करूंगी। तो गाइज, यहाँ पर इस पैन में मैंने एक बाउल में जो मैंने गुड़ भिगो कर रखा हुआ था, डाला हुआ था, वो ले लिया है और मैंने इसमें डाल दिया है। इसे मैं थोड़ा पका लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा और भी है, मैं इसको भी इसमें डालकर पका लेती हूँ। ये गर्म होते ही जो है गुड़ है इसमें अपने आप से ही पिघल जाता है। और साथ ही जो मैंने इमली का पानी रखा हुआ है, मैं उसको भी इसमें डाल रही हूँ। आप इसे मोटा या पतला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, थिक चाहिए अगर चटनी का टेस्ट, तो आप इसे थोड़ा पानी कम ऐड कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा पतला करना है तो इस तरह से पानी मिला सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितनी मोटी या पतली खट्टी मीठी चटनी बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इसको मैं अभी पकाऊंगी यहाँ पर। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर मैंने एक बाउल और डाल रही हूँ इसमें। आप भी अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं इस चटनी को बनाकर स्टोर करने वाली हूँ, ये मेरी कई रेसिपीज में काम आने वाला है। जैसे कि मुझे अगर पाव भाजी बना या मैं मुझे जैसे कि मुझे इसमें इसके लिए दही बल्ले बनाने हैं, उसमें यूज़ हो जाएगी ये मेरी। और साथ ही और भी काफ़ी रेसिपीज हैं जिनमें कि ये यूज़ होती है। मैं इसमें थोड़ा सा साथ ही जो है दालचीनी भी ऐड कर रही हूँ, ताकि उसकी स्मेल आती रहे, उसकी अच्छी खुशबू आती है इसमें। मुझे इसको पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो गाइज, मुझे यहाँ पर इसको पकाते हुए 10 मिनट के करीब होने वाले हैं। मैं इसमें अभी नमक मिर्च ऐड करने वाली हूँ, गरम मसाला। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और थोड़ी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें।
और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। अभी पकने में इसे थोड़ा सा 4-5 मिनट और लगेंगे, फिर इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर रही हूँ, मैं 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसे पकाते हुए अभी और 3-4 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसमें खरबूजे के बीज वगैरह भी डाल सकते हो। अभी मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी, फिर उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होकर ये थोड़ा सा थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो लो कर देती हूँ। और इसको फिर 2-3 मिनट बाद बंद कर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो गाइस, ये हमारी खट्टी मीठी इमली वाली चटनी रेडी हो गई है। इसे हम कई रेसिपीज में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसको दही भल्ले में, चाट पापड़ी में, या फिर हम फ्रूट चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको भेलपूरी में और दही भल्लों में और बहुत से समोसे के साथ, पकौड़े के साथ, किसी भी तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी रेसिपीज़ में ये हमारी काम आती है। तो प्लीज़ आप भी इस तरह से इसको बनाइए, आप देख सकते हो कि इसको बनाना कितना ईजी है, सिंपल है, और आप जल्दी ही ये बन भी जाती है। तो आप इस तरह से बनाइए, और इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो प्लीज़ आप इस तरह बनाइएगा, ट्राई कीजिए ज़रूर, और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स गाइस, थैंक यू।